प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का पूर्ण रूप से स्वागत व सुप्रभातम। आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से, इस ऐप के माध्यम से, इस ऑनलाइन के माध्यम से जो आप शिक्षा अर्जित कर रहे हैं उसको सहर्ष और खुशी के साथ करते रहें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। बाद में आदमी अगर पश्चाताप करता रहता है तो उसको कोई मतलब कुछ मिलने वाला नहीं होता है। इसलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको जो पढ़ाया जा रहा है सेम टू सेम आप कक्षा की तरह समझो इसको। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है संज्ञा शब्द। प्रिय विद्यार्थियों, जो संज्ञा शब्द हैं वो अकारांत में होते हैं, आकारांत में होते हैं, इकारांत में होते हैं, उकारांत में होते हैं, वो पुल्लिंग में होते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं, नपुंसक लिंग में होते हैं। तो अपने जो संज्ञा शब्द हैं वो आज रहेगा अकारांत, अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द। अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस शब्द से ही जान गए होंगे अकार प्लस अंत, ये लिख दिया अपन ने अकार प्लस अंत, ये बना इसका अकार यानी ऐश्वर, अंत यानी अंत में। जिस संज्ञा शब्द के अंत में ऐश्वर हो, जिस संज्ञा शब्द के अंत में ऐश्वर हो उसे कहेंगे अकारांत। उसे क्या कहेंगे? अकारांत। जिसे संज्ञा शब्द के अंतिम वर्ण में ऐ स्वर हो, जिस संज्ञा शब्द के अंतिम वर्ण में ऐ स्वर हो तथा पुरुष जाति में हो उन्हें अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप समझो अकारांत पुल्लिंग शब्द किनको कहेंगे? जिन संज्ञा शब्दों के अंतिम वर्ण में, जिन संज्ञा शब्दों के अंतिम वर्ण में ऐस्वर हो और वे पुरुष जाति में हो, वे पुरुष जाति में हो उसे कहेंगे अकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत पुल्लिंग शब्द किसको कहेंगे? कि जिस संज्ञा शब्द के अंतिम वर्ण में, जिस संज्ञा शब्द के अंतिम वर्ण में ऐस्वर हो तथा पुरुष जाति में हो उन्हें कहेंगे अकारांत पुल्लिंग शब्द कहेंगे। यानी अंत में क्या रहेगा? अंत में रहेगा ऐस्वर। क्या रहेगा? ऐस्वर, उसे कहेंगे अकारांत पुल्लिंग शब्द। जैसे अपने पास है, जैसे मयूर, इसमें रे में ए है। जैसे अश्व, जैसे शुक,
जैसे अध्यापक, जैसे शिक्षक, जैसे वृक्ष, जैसे छात्र है, गणेश है, महेश है, सुरेश है, नरेश है, उष्ट्र है, खर है, वृषभ है, मोहन है, प्रकाश है, विद्यालय, हिमालय, पुस्तकालय, रामालय इत्यादि शब्द जो हैं, इत्यादि शब्द ये किस में आते हैं? ये अकारांत पुल्लिंग में आते हैं। इन सब शब्दों के अंतिम वर्ण में ऐस्वर है। इन शब्द सब शब्दों के अंतिम वर्ण में ऐस्वर है और ऐस्वर होने से ये अकारांत है, लेकिन ये पुरुष जाति में भी है, पुल्लिंग जाति में, इसलिए अकारांत पुल्लिंग शब्द ही है। अब हम इसमें अगर हम एक सारणी बना के देखते हैं, संज्ञा शब्द के जो रूप हैं वो अपन लिख के देखते हैं, किस तरह वो लिखे जाते हैं उनको आप देखेंगे। संज्ञा शब्दों के रूप किस तरह लिखे जाते हैं वो मैं आपको सारणी बना के बताऊंगा। जैसे राम है, राम, ये अकारांत अकारांत पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द राम अकारांत पुल्लिंग शब्द है। जिस तरह राम के शब्द रूप आठों विभक्तियों में चलते हैं, उसी प्रकार से अश्व, मयूर, खर, छात्र, जो भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं उनके रूप एक समान ही चलते हैं, जो आपको इस सारणी के माध्यम से आपको बताया जाएगा। आप इसको अच्छी तरह देखते रहिए। यहाँ पर क्रम संख्या रहेगी, यहाँ पर विभक्ति, यहाँ पर एक वचनम, यहाँ पर द्विवचनम और यहाँ पर रहेगा बहुवचनम। ध्यान देते रहें। जैसे क्रम संख्या एक है, जैसे क्रम संख्या अपने पास एक है, एक का होता है जैसे राम है, बालक का बालक है, मयूर का मयूर है, द्विवचन होता है रामऊ, बहुवचन, सॉरी भाई विभक्ति नहीं लिखा मैं, विभक्ति के नीचे रूप लिख दिया, ध्यान दो इस पर। ये है प्रथमा, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है राम है, द्विवचन रामऊ और बहुवचन रामः। इसका अर्थ बनता है राम ने, दो रामों ने, और
सभी रामों ने। न्याया एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन और बहुवचन के साथ बहुवचन रूप बना। राम का राम है रामू रामा, ऐसे बालक का बालक है बालकौ बालकः, शिक्षक शिक्षकौ शिक्षकः। इस प्रकार से नंबर दो है द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति का रूप बनता है रामम, इसका अर्थ हुआ राम को, रामौ, दो रामों को और रामान, सभी रामों को। रामम रामौ रामान, बालकम बालकौ बालकान, अश्वम अश्वौ अश्वान। ऐसे ही जो तीसरा है, तीसरे की विभक्ति है तृतीया। कौन सी विभक्ति है? तृतीया। तृतीय रूप बनेगा रामेण, राम से, राम द्वारा, राम से, रामाभ्याम, दो रामों से और राम ही, सभी रामों से। रामे रामेभ्यम राम ही, ऐसे ही चतुर्थी का बनेगा। चतुर्थी चतुर्थी का बनेगा रामाय, बालक का होता बालक, राम का रामाय, जैसे राम के लिए। रामाभ्याम दो रामों के लिए और रामेभ्य है, सभी रामों के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, हर विभक्ति के अनुकूल, हर वचन के अनुकूल जो विभक्तियाँ चिन्ह हैं, कारक चिन्ह हैं, उनका प्रयोग होता जा रहा है। प्रथमा में हुआ कर्ता का हुआ ने, कर्म का हुआ को या द्वितीय विभक्ति है, तृतीया का हुआ या करण का हुआ से, और चतुर्थी अर्थात संप्रदान कारक का हुआ के लिए। इसी प्रकार से जो पाँचवा नंबर है वो है अपादान, ओ सॉरी पंचमी। पंचमी जो विभक्ति है इसका होगा रामात, राम से, रामाभ्याम दो रामों से और रामेभ्य सभी रामों से। छठा है षष्ठी, षष्ठी का है जैसे राम का होगा रामस्य, राम का, राम की, राम के, राम का के की रारेरी षष्ठी का है। राम योहू
दो रामों का या दो रामों की और रामायणाम। सभी रामों का। इसी प्रकार से जो सातवां है वो है सप्तमी। सप्तमी है जैसे रामी, राम में। राम यो हो दो रामों में, रामेशु सभी रामों में। ऐसे ही जो आठवां है वो है संबोधन। संबोधन में है हे राम, हे राम, हे दो राम, हे सभी राम। प्रिय विद्यार्थियों, अपना जो अकारांत पुल्लिंग शब्द राम में ए है तो अकारांत है। अकारांत का मतलब है जिस संज्ञा शब्द के अंत में ए स्वर हो, अकार प्लस अंत। यहाँ पर राम शब्द के जो रूप लिखे गए हैं आठों विभक्तियों में हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, इन संबोधन, इन सब में इनके रूप लिखे गए हैं। ऐसे ही मान लो आप अश्व के लिखोगे, मयूर के लिखोगे, छात्र के लिखोगे, खर के लिखोगे, वृषभ के लिखोगे, तो आप इसी तरीके से लिखोगे जिस तरह से मैंने इसको लिखा है। जैसे अपन अकारांत राम के शब्द लिखे हैं, इसी प्रकार से अकारांत कोई भी संज्ञा शब्द हो, अकारांत पुल्लिंग कोई भी संज्ञा शब्द हो, राम, बालक, विद्यालय, हिमालय, पुस्तकालय, छात्र, मयूर, खर, खग, इस प्रकार से मोहन, सुरेश, प्रकाश, कोई भी हो, इनके रूप राम की तरह ही चलेंगे। जिस प्रकार से राम के रूप अपन ने रट लिए, लिख लिए, याद कर लिए, तो आप समझो अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप आप किसी भी रूप में नहीं ठगा सकते हो, क्योंकि ये जो रूप हैं ये सही रहते हैं। रूप के आधार पर ही अर्थ का आयोजन होता है। इस प्रकार से आपको इन रूपों का ध्यान रखना है। इन रूपों के अकॉर्डिंग ही, इन रूपों के अनुसार ही आपको अन्य संज्ञा शब्दों के रूप भी लिखने चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, आप जितने संज्ञा शब्द रूप लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा। आगे का मैटर अपन जो चलाएंगे, धन्यवाद।